हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कोई भी सर्किट बनाना नहीं सिखाने वाला, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक है इस एम्पलीफायर के साथ रिलेटेड। ये एम्पलीफायर है हमारा जो घर में होम थिएटर रखा होता है, जो म्यूज़िक सुनने के लिए काम आता है। तो ये उसका बक्सा है, ये 6 इंच इसके अंदर वूफर लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका फ्रंट पैनल हो गया और ये इसका बैक साइड हो गया। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हमारे घर में वूफर ऐसे आजकल हर घर में इस तरह के वूफर पड़े होते हैं। तो वूफर के दूसरी साइड पे आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होल बना होता है, जो इसके अंदर से जो एयर प्रेशर निकलता है जब आपका वूफर चलता है, तो जो बेस के कारण यहाँ पे एयर प्रेशर बनता है, इसके लिए ये होल बना होता है, ठीक है। तो घर में आजकल हमारे घरों में चूहे तो बहुत रहते हैं, तो चूहे क्या करते हैं इसके अंदर घुस जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं इसको, और इसके अंदर जाके वायर्स वगैरह को तोड़ देते हैं, गंदगी बहुत डाल देते हैं इसके अंदर। तो इस चीज़ को हम कैसे कवर करें, ठीक है, जिससे आपका म्यूज़िक का मज़ा भी ख़राब ना हो, जो भी आपको साउंड आ रही है साउंड भी आपको प्रॉपर आए, और इसके अंदर चूहा भी ना घुस पाए, मतलब कोई भी जानवर छिपकली होगी, चूहा हो गया, कोई भी चीज़ इसके अंदर ना जा पाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, एक आपको इस तरह की जाली चाहिए जो आपको हार्डवेयर की किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगी। तो ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ये हमारी 110 mm की पाइप जो होती है पीवीसी पाइप, उसके ऊपर लगती है। ये हमारे घरों में जिसमें से पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उसके लिए लगी होती है ये पाइप के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं आज, इसको हम इस जगह पर लगाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। इस तरह लगा के इसके अंदर हमने पेच कस देने हैं। यहाँ पे पेच कसने के बाद हमारी साउंड भी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जब इसकी जो अंदर स्पीकर लगा होता है वूफर वाला, वो जब भी चलेगा, जो भी उसकी वाइब्रेशन होती है, जो वो बेस प्रोड्यूस करता है, तो उसके प्रेशर से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप सोच रहे होगे कि ये इसको कवर कर लेगा तो इसकी आवाज़ को थोड़ा सा दबा देगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे होल हुए हुए हैं, तो प्रेशर मेंटेन रहेगा आपका, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसको लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इस तरह का सेल्फ स्क्रू चाहिए, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू बोलते हैं इसको। ये काफ़ी आगे से इसकी टिप होती है, काफ़ी शार्प होती है, ठीक है। आपको करना क्या है, जो आप इस तरह की जाली लेके आओगे, ये प्लास्टिक की जाली है, इसको आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। रखने के बाद एक जगह पे सेट कर लेना है इसको। तो सेट करने के बाद आपने पेच रखना है इसके ऊपर, ठीक है। पेच रखने के बाद आपने स्क्रू ड्राइवर से इसको कस देना है, ठीक है। तो ये इसकी टिप इतनी मतलब नुकीली होती है कि ये इसके अंदर भी गली निकाल देगा, और आपकी जो ये वुड का बना होता है, लकड़ का बना होता है, तो इसके अंदर भी ये अपने आप ही गली निकाल देगा, आपको ड्रिल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसमें गलियां निकाल के रखी हुई हैं, पहली 3 गलियां निकाली हुई हैं, और यहाँ पे भी मैंने इसको रख के उसके सेम जहाँ जहाँ पे गली बनी हुई है वहाँ वहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर देना है। तो अभी मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ कैसे ये होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेच रख लिया इसके ऊपर, तो अभी मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको कस दूंगा पूरा टाइटली। तो ये देख सकते हैं आप, टाइटली ये कसा गया, और आपने जो एक्स्ट्रा 2 गलियां निकाली हैं उसके बीच में भी इसको लगा देना है कुछ इस तरह। साउंड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो तो आपकी बहस कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका सेफ्टी का काम करेगा पूरा, अंदर कोई भी जानवर वगैरह घुस नहीं पाएगा, इवन डस्ट को भी ये रोक के रखेगा, ज़्यादा डस्ट नहीं इसमें जाएगी। तो देखो मैंने इसके ऊपर 3 पेच लगा दिए हैं, ये बिल्कुल आपका सॉलिड है पूरा, कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसका साइज़ है, जो मैं आपको आइडिया से बता देता हूँ, ये 4.5 इंच है, ठीक है, कुछ यहाँ तक। और अगर आपको सेंटीमीटर में बताऊँ तो ये 12 सेंटीमीटर के अराउंड है इसका साइज़, ठीक है। तो आपने इस तरह की जाली लेनी है, यहाँ पर लगा देनी है, तो आपका इसके अंदर बिल्कुल चूहे वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे मेन दिक्कत आती है, हमारी वायरिंग सारी काट देते हैं अंदर से जाके, तो जो इसके अंदर पीसीबी बोर्ड लगे होते हैं या एम्पलीफायर सर्किट लगे होते हैं, वो टोटली डैमेज हो जाता है हमारा। तो उसको बचाने के लिए आप इस तरह से जाली लगा सकते हो,
और आपका वूफर बिल्कुल ही प्रॉपरली काम करेगा, सारा कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखने में कुछ ये इस तरह सा लगता है साइड में से, ठीक है, ये चीज़ है। अभी आपको मैं चला के भी दिखा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आवाज़ में। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने इस वूफर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और अभी मैं आपको इसकी बेस टेस्ट कराऊंगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, साउंड कैसी आ रही है, ये आपको अभी मैं चेक करवाता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ना पेपर लिया है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इसके अंदर से जो प्रेशर निकल रहा है वो सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ठीक है। ये देखना, अभी आप मैं चलाने लगा हूँ म्यूज़िक को। देखा दोस्तों आपने, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, तो आप इसको घर पे ऐसे लगा सकते हो और आपका जो भी इक्विपमेंट है बिल्कुल सेफ रहेगा जानवरों से, कोई भी चूहा बिल्ली से, बिल्ली तो खैर गया ही आएगी, चूहा ही आएगा इसमें, तो चूहे से आपका ये सेफ रहेगा बिल्कुल भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नॉलेजेबल मिला हो आपको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी ऐसे अपने इक्विपमेंट को बचा सकें। Thank you very much.